मैं इस वक्त मुंबई के पवई साकी विहार एलएनटी कंपनी के 6 नंबर गेट के सामने, जो एक सोलराइज करके कंपनी है, इनमें कुछ जानकारी मिले कि लगभग 700 से 800 तक के मजदूरों को बिना नोटिस दिए उन्हें काम से निकाल दिया गया है। तो मैं उन वर्कर से ही जानना चाहूँगा कि ये क्या, इसका रीज़न क्या है और कारण क्या है। देश पंडित जी, आप बताएंगे क्या कारण है इसका और कितने मजदूर है? कम से कम 700 से 800 मजदूर है जिनको हम लोग को बिना नोटिस दिए काम से निकाल दिया है। नोटिस पीरियड भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया और हम लोग को डायरेक्ट काम से निकाल दिया है। तो हम लोग यही पूछने के लिए हम लोग सोलारिस के ऑफिस में आए थे। हम लोग ओनर से बात करना चाहते, लेकिन ओनर बोलते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आ सकती। तो इसीलिए हम लोग आए। और आपने किसी स्थानीय नगर सेवक, MLA, MP को इस बारे में जानकारी दी है, लिखित तौर पर दिया है? आपने किसी राजनीतिक तौर पर कुछ मदद मांगी है? हम लोग ने महाराष्ट्र निर्माण सेना से मदद मांगी है और उन्होंने भी बोला है कि हम लोग आपको मदद करेंगे। फिर भी हम लोग को एक टाइम दिया था सोलारिस ऑफिस ने, इसके लिए हम लोग सब लोग यहाँ पे जमा हुए। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ सर, हम पिछले 7-8 साल से काम कर रहे हैं और हमको कुछ भी जानकारी नहीं दी। उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है कि कल से तुम जॉब पे मत आओ। तो उसके लिए हमारा परिवार है, परिवार की जिम्मेदारी है, तो हम लोग क्या करें सर? सर, आप कितने साल से काम कर रहे थे? सर, मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ। और लगभग सभी लोग इतने ही 8 साल से काम कर रहे हैं? नहीं सर, कुछ कम, कुछ 6 साल से, कुछ 5 साल से, कुछ 10 साल से, कुछ 15 साल से। मैं एक महिला कर्मचारी से भी बात करना चाहूँगा। आइए। हाँ मैडम, आप कितने साल से काम कर रहे? मेरा 1.5 साल हो गए। आपको भी कुछ नोटिस वगैरह दिए? ऑन ड्यूटी हमने 14 को लास्ट ड्यूटी की, 15 को बोला है मत आओ ऑन ड्यूटी, और मेरे हस्बैंड घर पे 15। देखिए, एक रोजगार ही एक आम आदमी की पेट भरने की ख्वाहिश होती है, लेकिन गवर्नमेंट भी कहती है कि हम रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने भी जैसे कहा है कि हम गरीबी हटाएंगे। तो मैं मुख्यमंत्री जी शिंदे सर से और प्रधानमंत्री मोदी जी से भी ये कहना कहूँगा कि इस विशेष चीज़ पर ध्यान दिया जाए और इनके रोजगार पर ध्यान दिया जाए और इनकी मदद किसी रूप में की जाए।